लेता तुमसे मगर ना तुम्हें फुर्सत ना हमें फुर्सत, मशरूफ हो गया है जमाना इस कदर या फुर्सत को भी कहां फुर्सत। लाइट ऑफ नेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर संजय राणा और आज मौजूद हूं राजस्थान के अलवर जिले में, जहां गंगा जमुनी तहजीब के दीवाने हैं सारे लोग। मेरे साथ है ओम आर्य स्मृति समिति की सचिव और जानी मानी कवियत्री कलम की खास मजबूत शख्सियत मेरे साथ हैं श्री राज गुप्ता जी। और आज हुआ है अलवर में एक बहुत ही उम्दा काव्य गोष्ठी का आयोजन, तो आइए बात करते हैं श्रीमती राज गुप्ता जी से। राज गुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका लाइट ऑफ नेशन में। थैंक यू। हाँ, तो आज ये बहुत ही उम्दा और शानदार कार्यक्रम का आयोजन आपके द्वारा किया गया है, शहीदों के सपने और हम, कितनी तैयारी की आपने इस कार्यक्रम को आयोजन करने के लिए? इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए एक जज्बाती माहौल होना चाहिए, जिसके लिए को ज्यादा तैयारी की आवश्यकता नहीं पड़ती। क्रांतिकारियों की महफिल सजाने के लिए जज्बाती क्रांतिकारी होना चाहिए, तो पूर्व में ही हम 30 जनवरी की जो महात्मा गांधी की जो पुण्यतिथि होती है, उस दिन 11 बजे तो हम कार्यक्रम रखते हैं। लेकिन तमाम देश के जो बेनामी शहीद हैं, जो नींव के प्रस्तर शहीद हैं, उनको हम 29 जनवरी की शाम को एक शाम शहीदों के नाम, गीत गजल और शहीदों के सपनों को सजाने का काम हम 27 साल से करते आ रहे हैं। तो इसके लिए हमें देश के जाने माने क्रांतिकारी कवियों को और सामाजिक चिंतकों को, देश प्रेमी लोगों को बुलाना पड़ता है। यही इस तैयारी का बहुत बड़ा एक आयोजन होता है। कहते हैं कि अगर माली ना होता तो चमन ना होता, शहीद ना होते तो वतन ना होता। ऐसे उम्दा कार्यक्रम जो शहीदों के नाम आपने इनाकात किया है, इसी में एक बहुत बेजोड़ नाम है जो कि स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, स्वर्गीय ओम प्रकाश आर्य जी, उनके बारे में थोड़ा हमारे चैनल को बताना चाहेंगे। मैं स्वर्गीय ओम प्रकाश जी आर्य, पुराने बर्फ खाने वाले नगर नायक कर्मठ आर्य समाज जी, फाउंडर ऑफ दी मैन आर्य समाज, जहाँ आज 5,000 लड़कियां पढ़ रही है। जब देश आजाद नहीं हुआ था, उस समय जब क्रांति का गोल बजा, तो स्वर्गीय ओम प्रकाश जी की आयु सिर्फ 13-14 साल की थी और जमीनी स्तर से किशनगढ़ बास से वो लोग जुड़े हुए थे। जब हिंदू मुस्लिम गदर हुआ और आजादी नहीं मिली, उससे पहले ही देश में एक आंतरिक लड़ाई शुरू हुई, उस समय वो अपनी नंगी तलवार लेने लगे और आजादी के आंदोलन में कूद गए और प्रजामंडल की स्थापना करी। जैसे ही देश आजाद हुआ, उसी बीच के अंदर उन्होंने भुक्सर कस्बा खादी भंडार, आज भी हमारे सामने मौजूद है, लेकिन पहले प्रजामंडल की स्थापना, जगन्नाथ जी के मंदिर, एक नथुराम जी मोदी शुद्ध सेनानी का निवास है, उनकी दुकान पर प्रजामंडल की स्थापना हुई और वहां से आजादी के गुगल में लोग उनके साथ जुड़े, जिनमें रमेश जी आर्य, रामजी लाल जी शर्मा, छोटू सिंह जी, तमाम गुजरला जी माथुर, तमाम ऐसे बेजोड़ क्रांतिकारी, रमेश जी उपाध्याय, ये लोग उनके साथ थे। उनका नेतृत्व स्वर्गीय ओम प्रकाश जी का पूरे अलवर जिले के अंदर ही नहीं, राजस्थान में भी उनका इस आंदोलन में योगदान था। आज उनका उन किताबों के अंदर हम नथुराम जी मोदी और स्वर्गीय ओम प्रकाश जी गुप्ता प्राणी भरफारण राजस्थान आंदोलन में आज भी पढ़ते हैं। लाइट ऑफ नेशन की तरफ से भी ऐसे स्वतंत्रता सेनानी को नमन करते हैं। राज गुप्ता जी, आप बहुत बड़े साहित्यकार हैं राजस्थान की, तो ऐसे कार्यक्रमों के जरिए आप आधुनिक विश्व को, आधुनिक हिंदुस्तान को और हमारे राजस्थान को, खासतौर से युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं युवाओं को ये संदेश देना चाहती हूँ कि आजादी खेल मत समझो, बड़ी मुश्किल से मिलती है, जो करते हैं कुर्बानी फकत उनको ही मिलते हैं। ये छोटा मोटा खेल नहीं था, ये बहुत बड़ा अंग्रेजों का अत्याचार था, जिससे हम युवा पीढ़ी को ये जगाना चाहते हैं, ये दिखाना चाहते हैं कि हम आज जो देश का माहौल है, जो मानसिक गुलामी का माहौल है, ये पूंजीपतियों का माहौल है, उस माहौल से हम तुमको थोड़ा सा दूर दराज ले जाकर आजादी के महत्व को समझाना चाहते हैं और उसको जैसे आजादी मिली हमको, उस कठिन परिस्थितियों का आज भी बेजोड़ तरीके से सामना करते हुए और पूंजीपति गुलामी को स्वीकार ना करें और देश की आजादी के महत्व को समझें, यही हम युवा पीढ़ी को। आप बहुत मशहूर कवियत्री हैं, आपकी काफी किताबें पब्लिश हो चुकी हैं, तो क्या आप लाइट ऑफ नेशन के लिए दो पंक्तियां आपके को, जो आपको बहुत खास लगती है, सुनाना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं लाइट ऑफ नेशन के माध्यम से पूरे युवा नौजवानों को हिंदुस्तान की माँ के दर्द की 4 लाइन प्रेषित करना चाहती हूँ। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान पुकारती है माँ मेरी,
रोती है आत्मा, दरिंदे हंस जाते हैं, मेरी ही गोदी को रोंदे चले जाते हैं, देते हैं आवाज तुमको एकता के नाम का, पुकारती है माँ मेरी उस हिंद की शान को, मर गए जो मिट गए मातरम के नाम पर, लगा रही है आग वो शहीदों के बगान पर, रोती है आत्मा दरिंदे हंस जाते हैं, जाग जाओ नौजवान श्वेत कर्ण धारों से, बांध लो फिर से तुम बसंती फरमान को, आज समय आ गया है आग को बुझाने का, जलती हुई इंसानियत को थोड़ा सा बचा डालो, थोड़ा सा बचा डालो मातरम के नाम पर, हिंदुस्तान हिंदुस्तान पुकारती है माँ मेरी। मैं नौकरी को कहना चाहती हूँ कि आपको पुनः जागना पड़ेगा, देश के माहौल को एक ऐसा एकता का माहौल देना पड़ेगा, जाति पाति से दूर होकर मानवता का संदेश देना पड़ेगा, इसीलिए हम इन क्रांतिकारियों की महफिल सजाते हैं शहीदों के नाम। तो ये थी हमारे साथ जाने माने मशहूर कवियत्री राज गुप्ता जी, हम लाइट ऑफ नेशन की तरफ से आपका स्वागत करते हैं, लाइट ऑफ नेशन से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। कैमरामैन समुंदर सिंह के साथ मैं डॉक्टर संजय। दिस इज ए सेवन लाइंस क्रो एंड यू वॉचिंग लाइट ऑफ नेशन, आप देख रहे हैं लॉन न्यूज़।